सत श्री अकाल, मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहले एक नज़र पाउने आ अज दियां खास खास खबरां ते। निज्जर कतल मामले च जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर चुकी भारत वल उंगल। ट्रूडो ने कहा सी भारती एजेंटां दी शमूलियत बारे प्रमाणिक दोष लाए ने ते इन्हां नूं बेहद संजीदगी नाल लिया जाना चाहिए। निज्जर कतल मामले च कैनेडा नूं मिलिया अमरीका दा साथ। अमरीका दे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि उन्हां दा देश जांच च पूरा समर्थन करदा है ते चाहुंदा है कि दोषियों नूं न्याय दे कटहरे च लिआंदा जावे। भारतीय विदेश मंत्रालय दे बुलारे अरिंदम बागची ने कैनेडा ते कट्टरपंथियों नूं सुरक्षित पनाह देण दे लगाए दोष। बागची ने कहा कि कैनेडा अत्तवाद दे दोषां दा सामना करन वालिआं विरुद्ध कार्रवाई करे जां उन्हां नूं भारत दे हवाले करे। भारत कैनेडा विवाद से बोली कंगना रणौत। कंगना ने कहा सिख कौम नूं खुद नूं खालिस्तानियों तो वक्ख कर लेना चाहिए ते अखंड भारत के समर्थन च वध तो वध सिखां नूं अगे आना चाहिए। अते पंजाब पुलिस बनेगी देश की अव्वल दर्जे की फोर्स। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा पुलिस नूं आधुनिक बनाउण लई असी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की मदद लवांगे। सीएम मान जलंधर विखे कॉन्सटेबलों की पासिंग आउट परेड का कर रहे सन निरीक्षण। तो हुण खबरां दा विस्थार। कैनेडा दे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सिख आगू हरदीप सिंह निज्जर कतल मामले च एक बार फिर भारत वल उंगल चुकी है। ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने निज्जर दे कतल केस च भारतीय एजेंटां दी शमूलियत बारे प्रमाणिक दोष लाए ने ते इन्हां नूं बेहद संजीदगी नाल लिया जाना चाहिए। ट्रूडो ने भारत सरकार नूं अपील की कि वह इस मामले च न्याय यकीनी बनाउण ते सच्चाई सामने लिआउण लई कैनेडा नाल मिलके काम करे। ट्रूडो ने कहा कि उन्हां दी सरकार ना तो किसी नूं उकसा रही है ते ना ही कोई मुश्किल खड़ी करना चाहती है। भारत वालों कैनेडियन नागरिकां लई वीज़ा सेवावां मुअत्तल कीते जाण मगरों उन्हां दी सरकार वालों किसी तरह की जवाबी कार्रवाई बारे पुछे जाण दे सवाल च ट्रूडो ने कहा इस वेले साडा सारा ध्यान कैनेडियनां दी सुरक्षा अते अपनियां कदरां कीमतां ते कौमांतरी नियमां दी पालना यकीनी बनाउण वल है। भारत ते कनेडा दे रिश्ते विच तनाव शिखर ते पहुंचदा नजर आ रहा है। पहलां दोवां देशां दे डिप्लोमेटां नूं मुअत्तल कीता गया ते हुण भारत ने कनेडियन नागरिकां लई वीजा सेवावां नूं अणमिथे समें लई मुअत्तल कर दिता है। विवाद कनेडा दे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दे इक दावे तों शुरू होया सी जदों उन्होंने भारत दे खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर दी हत्या दा दोष लगाया सी। हुण भी कनेडियन पीएम अपने स्टैंड ते दृढ़ हन, हालांकि भारत पहलां ही इन्हां दोषां नूं रद्द कर चुका है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर भारतीय एजेंसियों के हाथ होने की संभावना का दावा किया है। As I said on Monday, there are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. That is something of the utmost and foundational importance in a country of rule of law, in a world where international rules-based order matters. We have a rigorous and independent justice system and robust processes that will their course. And we call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. Hello, Mr. Shooter. Mackenzie Gray with Global News. So far, none of the US, UK, Australia, or New Zealand have echoed the allegations about India. We know you gave some a heads up to some of those world leaders. Did you ask them to publicly condemn New Delhi? As a country of the rule of law, we have an obligation to ensure that those processes unfold in a rigorous and independent manner, and that is what we are ensuring. At the same time, we are ensuring that Canadians stay protected and that we stand up for the international rules-based order. That is something that we are doing, and it's something we are doing alongside our allies. But so far at this point in time, you seem to be alone in echoing these allegations. Are you concerned that Canadian allies have not gone nearly as far as you in this situation? We're standing up for the rules-based order. We're standing up for the rule of law. We're highlighting how unacceptable it would be for any country to be involved in the killing of
a citizen on their own home soil. And that's something we will continue to stand for. ਇਹ ਦਾਵਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਨਿਜਰ ਦੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਲਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सरी च सिख आगू हरदीप सिंह निज्जर के कतल मामले च कैनेडा ते भारत आमो सामने ने। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर के कतल च भारतीय एजेंटा के शामिल होने का शक जताया सी। हालांकि भारत ने इन इल्जामों सिरे तो नकार दिता सी। इस मामले ते हुण अमरीका कैनेडा के हक च खड़ा दिखाई दे रहा है। अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलीवन ने कहा है कि अमरीका कैनेडा के दोषों को लैके बेहद चिंतित है। वो जांच का पूरा समर्थन करता है तो चाहता है कि दोषियों को न्याय के कटहरे च लिया जाए। जेक सुलीवन ने कहा कि अमरीका कैनेडा ते भारत दोवां दे संपर्क च है। सुलीवन ने इन दावों रद्द किया कि निज्जर कतल मामले को लेकर अमरीका ते कैनेडा दरमियान मतभेद ने। कैनेडा ने भारत ते खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर के कतल का दोष लाया है। कनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि निज्जर के कतल में भारतीय एजेंसी के शामिल होने की संभावना है। इस मामले में अमरीका भी कनेडा के हक में खड़ा हो गया। अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि अमरीका कनेडा के दोषों को लेकर बेहद चिंतित है। वह जांच का पूरा समर्थन करता है तो वह चाहता है कि दोषियों को न्याय के कटहरे में लिया जाए। जैक सुलिवन ने कहा कि अमरीका कनेडा और भारत दोनों के संपर्क में है। जैक ने उन दावों को रद्द किया कि निज्जर कतल मामले को लेकर अमरीका ते कनेडा विच मतभेद हैं। अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि मैं इस गल तो पूरी तरह इनकार करता हाँ कि अमरीका ते कनेडा विचाले कोई दरार है। सानू दोषों बारे डूंघी चिंता है। असीं चाहते हाँ कि जांच अगे वधे ते दोषियों नू जवाबदेह ठहराया जाए। जदों तो यह मुद्दा जनतक होया है अमरीका उदों तो ही इस मुद्दे ते डटिया होया है ते जदों तक यह मुद्दा पूरी तरह सामने नहीं आ जाता उदों तक डटिया ही रहेगा। I'm not going to speak to either intelligence or law enforcement matters from this podium. I will let that process play out. We are in, as I said before, continuous communication and consultation with the Canadian government, and we will remain so as we go forward. And I do not have anything to announce about travel by the president to India in January or at any other time today. Jack Sullivan ne keha ki Canada vich Sikh vakwadi neta di hatya bare Canada de daavyan to baad America uch paddar te Bharat de sampark vich hai। ते सरकार इस मामले विच भारत नूं कोई विशेष रियायतां नहीं दे रही। उधरों भारत ने कनेडा के दोषों नूं सिरे तों नकार दिता है। भारत ने कनेडियन प्रधानमंत्री के दोषों नूं बेहुदा ते प्रेरित दस्सिया है। भारत ने कनेडा ते अपने देश च खालिस्तानियों नूं खाद पानी मुहैया करवाउण दा दोष लाया है ते इस मुद्दे तों भड़काउण लई ओह भारत ते अजिहे मनघड़त दोष ला रहा है। भारत ते कनेडा दे संबंधां च पाड़ा लगातार वध रहा है। हुण भारतीय विदेश मंत्रालय के बुलारे अरिंदम बागची ने एक बयान च कहा है कि कैनेडा च कट्टरपंथियों नूं सुरक्षित पनाह दिती जा रही है। असीं चाहुंदे हां कि कैनेडियन सरकार अजिहा ना करे अते अतवाद दे दोषां दा सामना करन वालियां विरुद्ध कार्रवाई करे जां उन्हां नूं भारत भेजे। असीं पिछले कुछ सालां च कैनेडियन सरकार नूं 20-25 तों वध लोकां दी हवालगी जां कार्रवाई लई बेनतियां कीतियां गईआं पर किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। अरिंदम बागची ने अगे ये कहा कि कैनेडा च साडे हाई कमिशन अते कौंसलेटां नूं दरपेश सुरक्षा खतरियां तों हर कोई जाणू है। इस कारण वीज़ियां दे कामकाज च विघन पिया है। असीं नियमित तौर ते स्थिति दी समीक्षा करदे रहांगे। कल भारतीय विदेश मंत्रालय दे बुलारे अरिंदम बागची दा बयान सामने आया जिन्हां कहा कि कैनेडा अतवादियों लई सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। बुलारे ने कहा कि मैनूं लगता है कि अतवादियों कट्टरपंथियों ते संगठित अपराध लई सुरक्षित पनाहगाह वजों कनेडा की साख वध रही है। उन्होंने कहा कि मैनूं लगता है कि वह देश है जिसनूं अपनी अंतरराष्ट्रीय साख बारे चिंता करने की जरूरत है। विदेश मंत्रालय के बुलारे ने अगे कहा कि कनेडा विच कट्टरपंथियों नूं सुरक्षित पनाहगाह दी जा रही है। असीं चाहते हाँ कि कनेडियन सरकार अजिहा ना करे अते अतवाद के दोषियों का सामना करने वालों विरुद्ध कार्रवाई करे जां फिर उन्हां नूं भारत भेजे। Yes, we have informed the Canadian government that there should be parity in strength and rank equivalence in our diplomatic presence, in mutual diplomatic presence.
Their numbers here are very much higher than ours in Canada. The details of this are being worked out, but I assume there will be a reduction from the Canadian side. But look, I think we should look at the larger issue. The larger issue is of terrorism. And not just, terrorism, but also the fact that it is being funded and supported. And we know this for some time, from our western neighbor, Pakistan. But the issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada. And that, we would expect that is the main focus. The question is, do we have the political will to address terrorism, or we want to justify it and condone it? Visa issues pe, let me actually nahi bataya tha maine. I thought humne discuss kiya tha. आपने देखा होगा कि हमारे जो कनाडा में हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट्स हैं उनके उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं उसको आप जानते हैं. इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उसमें डिसरप्शन आई है. इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्परेरली वीज़ा एप्लीकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं. हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी. पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर. तो दस दिए कि कैनेडियन नागरिकों की वीज़ा अर्जियों की मुढ़ली जांच लई भारत वालों नियुक्त एक एजेंसी ने वीरवार को संचालन कारण अपनी वैबसाइट से सेवावां नूं मुअत्तल करने बारे एक नोटिस जारी किया. कुछ घंटे बाद इस नूं हटा दिता गया पर फिर नोटिस दोबारा लगा दिता गया. एजेंसी BLS इंटरनेशनल ने स्टॉक एक्सचेंज नूं यह भी सूचित किया कि उसने कनेडा विच भारत लई वीज़ा सेवावां नूं तुरंत प्रभाव नाल मुअत्तल कर दिता है. अपनी अदाकारी तो इलावा बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत अपनी बेबाकी लई भी जानी जाती है. कंगना हर मुद्दे ते खुल के अपने विचार प्रकट करती है, चाहे वह फिल्मी मुद्दा होवे जां सियासी मुद्दा. कंगना अक्सर अपने विवादित बयानों कारण सुर्खियां च रहिंदी है. हुण एक बार फिर कंगना अपने ताज़ा ट्वीट नूं लैके सुर्खियां च है, जिस च उसने भारत कैनेडा विवाद ते अपनी प्रतिक्रिया दिती है. कंगना रनौत ने कहा कि सिख कौम नूं खुद नूं खालिस्तानियों तो वक्ख कर लेना चाहिए है, तो अखंड भारत के समर्थन च वध तो वध सिखां नूं अगे आना चाहिए है. खालिस्तानी अतवाद सिखां दा अक्स विगाड़ रहा है, तो समुची कौम की भरोसे योग्यता खत्म कर रहा है. यह कोई चंगा संकेत नहीं है. भारत ते कनेडा के विवाद विचाले कंगना रनौत का बयान भी सामने आया है, जिसका कहना है कि सिख कौम नूं अपने आप नूं खालिस्तानियों तो वक्ख कर लेना चाहिए है. कंगना ने कहा कि वध तो वध सिखां नूं अखंड भारत की हमायत विच अगे आना चाहिए है. जिस तरह सिख भाईचारे वालों मेरा बाइकाट किया गया है, वह खालिस्तानी अतवादियों विरुद्ध बोलने लई पंजाब विच मेरी फिल्मों का किन्ना हिंसक विरोध करते हैं, यह चंगा फैसला नहीं है. उन्होंने कहा कि खालिस्तानी अतवादी उन्होंने बुरा दिखाते हैं, तो समुचे सिख भाईचारे की भरोसेयोगता उन्होंने समुची धारणा तबाह कर देगा. तो दस दी कि इस तों पहला कंगना रनौत ने खालिस्तान के मसले ते ही गायक शुभ का भी विरोध किया. उसने लिखा सी कि भारत ते कनेडा दरम्यान चल रहे कूटनीतिक विवाद के विचकार रैपर ते गायक शुभ का भारत संगीत दौरा रद्द कर दिया गया, क्योंकि उसने कथित तौर पर खालिस्तानी अते वक्खवादी नेतावां प्रति अपना समर्थन जाहिर किया. रैपर डीनो जेम्स ने पहला अपने साथी संगीतकार वल अपना समर्थन वधाया, पर फिर बाद विच एक कहते हुए माफीनामा जारी किया कि उसनू नहीं पता सी कि शुभ दा दौरा क्यों रद्द किया गया. तो दस दिए कि कनेडा ते भारत दे विवाद विचाले हुण कई होर देशों की भी एंट्री हो चुकी है, जिन्हां इस मामले ते चिंता प्रताई है. तो हुण भारत विच कई सियासी लीडरां ते कलाकारां दा बयान भी सामने आउण लगा है, पर हाले यह विवाद ठंडा हुंदा विखाई नहीं दे रहा. कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों कनेडा च खालिस्तानी अतवादी के कतल च भारतीय एजेंसियों का हाथ होने तों बाद भारत ते कनेडा विचाले चल रही सियासी हलचल शुरू हो गई. भारत ने इन्हां दोषां नूं सिरे तों खारिज किया अते इन्हां नूं बेहुदा ते प्रेरित दस्या. बाद विच दोवां देशां ने एक दूजे के सीनियर डिप्लोमेटां नूं भी कढ दिता, ते हुण इस मामले ते अमरीका की भी एंट्री हो गई है, जिहदा इस मामले ते चिंता प्रगटाउंदे होए कहा कि वह कनेडा के दोषों को लेकर बेहद चिंतित हैं. वह जांच का पूरा समर्थन करता है, तो वह चाहते हैं कि दोषियों को न्याय के कटहरे च लिया जाए.
देखना होगा कि अमरीका की एंट्री तो बाद भारत का की जवाब सामने आता है। पंजाब पुलिस नूं मुल्क दी अव्वल दर्जे दी फोर्स बनाउण लई इसकी कार्य कुशलता च वाधा करन वास्ते आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस नूं शामिल किया जाएगा। यह कहना है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का, जो जलंधर विखे 2999 कॉन्सटेबलों की पासिंग आउट परेड दौरान समागम नूं संबोधन कर रहे सन। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि यह पहलकदमी सूबे च पुलिस प्रबंध च होर सुधार लियाउण लई अहम साबित होगी। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की वरतों के मामले च पंजाब नूं मोहरी सूबा बनाउण दे उद्देश नाल यह फैसला लिया गया है, जिस नाल सूबे च अमन अते कानून की स्थिति नूं बरकरार रखण च मदद मिलेगी। भगवंत मान ने कहा कि यह कदम पुलिस फोर्स नूं विज्ञानक लीहां उत्ते ढालण की दिशा च मील का पत्थर साबित होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अज जलंधर PAP विखे पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। पंजाब पुलिस के 2999 नवे भारतीय पुलिस मुलाजमान ने सिखलाई पूरी करने उपरंत मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं सलामी दिती। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आख्या कि पंजाब पुलिस नूं मुल्क की अव्वल दर्जे की पुलिस फोर्स बनाने लई इसकी कार्यकुशलता विच वाधा करने वास्ते आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस AI नूं शामिल किया जाएगा। इत्थे पंजाब पुलिस विच सीधे भर्ती हुए सिपाहियां दे हुण तक दे सब तो वड्डे 2999 कॉन्सटेबलों के ग्रुप की पासिंग आउट परेड दौरान इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि यह पहलकदमी सूबे विच पुलिस प्रबंध विच होर सुधार लियाउण लई अहम साबित होवेगी। इह मैं कहूंगा पासिंग आउट परेड नहीं, एक उम्मीद दी परेड सी, होप, क्योंकि मैं गल कर रहा सी सीनियर ऑफिसर्स नाल, वो खुद भी ये कह रहे सी कि इस तरह दे फंक्शन जां इस तरह दे पासिंग आउट परेड सानू खुद नू देखिया नू बहुत टाइम हो गया, असी खुद भुल गए कि लास्ट टाइम असी कदों देखी सी इस तरह दी परेड, क्योंकि सिर्फ राजनीतिक रैलियां बस, होर तो कुछ नहीं रह गया सीगा पॉलिटिक्स दे नाम ते या सरकारां दे नाम ते। हुण असल च रंगले पंजाब दे रंग जिहड़े ने सामने खड़े ने, हुण इस तरह दे फंक्शन हो रहे ने, चाहे वह बिजनेस समिट होण, भावें वह टूरिस्ट समिट होण, भावें वह नियुक्ति पत्र वंड समारोह होण, ये जरूरी सी, बहुत जरूरी सी, क्योंकि पहला पेपर ले ले जांदे सी, फीस भरा ले जांदी सी, पेपर नहीं हुंदे सी, एग्जाम नहीं हुंदे सी, एग्जाम हुंदे सी रिजल्ट नहीं आउंदा सी, सिलेक्ट हो जांदे सी ट्रेनिंग नहीं हुंदी सी, ट्रेनिंग हो जांदी सी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती सी, तो कितने ना कितने कोई ना कोई अड़िका पिया रहिंदा सी उम्मीदां ते। फस्ट टाइम होया कि 2999 जवानों की तीन सेंटर की जी कट्ठी परेड हो रही है। सो 2999 के 1901 लड़के ने 1098 लगभग 1100 साडिया धियां ने साडिया भैणां ने। असी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी जिहड़ी आ उहदे विच पुलिसिंग नूं लैके आ रहे हां, और नाल साडे कोले बहुत सारिया वड्डी वड्डी कंपनियां गूगल वर्गी कंपनी जिहड़ी आ उह साडे नाल संपर्क च है कि असीं पंजाब पुलिस नूं अपडेट करना है, गड्डियां नवीआं होण, गड्डियां दे विच क्यूमेंट ऐसे होण जो जे कोई फोन करे तां सब तों नेड़े वाली गड्डी च बैल बजे, फोन उत्थे चक्किया जावे ते नाल दी नाल उहनां नूं सहायता पहुंचे। सो इस करके पंजाब दी पुलिस नूं असीं डिसिपलिन च ते कामकाज ते लोकां दी सहायता च नंबर 1 पुलिस जिहड़ी है देश दी उह बनाउणी चाहुंदे, और उदों ज़्यादा दूर नहीं हैगे जो जिस तरीके ने मैं अज तुहाडी डेडिकेशन देखी है। नवे भर्ती हुए पुलिस मुलाजमान नूं मुबारकबाद दिंदिआं मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनियुक्त उम्मीदवारां लई यादगारी पल है, क्योंकि वह पंजाब पुलिस परिवार का अनिखड़वां अंग बने हन। उन्होंने नवे मुलाजमान नूं अपना फर्ज पूरे समर्पण मेहनत ते पेशेवर वचनबद्धता नाल निभरे चाढ़न लई कहा कि सूबे की तरक्की ते लोकां दी खुशहाली यकीनी बने। भगवंत मान ने कहा कि पुलिस मुलाजमान नूं आम लोकां दी दिक्कत घटाउण ते उन्हां नूं इंसाफ देण लई सरगर्म भूमिका निभाउणी चाहीदी है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अज शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह दे घर पहुँच के परिवार नाल दुख सांझा कीता। जिक्रयोग है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग खेतर च अतवादियों खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन दौरान कर्नल मनप्रीत सिंह शहीदी प्राप्त कर गए सन। शहीद मनप्रीत सिंह की अंतिम अरदास 24 सितंबर को पिंड पड़ौजियां च होगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार इस दुख की घड़ी च शहीद के परिवार नाल चट्टान वांग खड़ी रहेगी। अजिहे परिवार की हर संभव सहायता करना मान सम्मान देना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। शहीद के छोटे भरा संदीप सिंह ने दसिया कि मुख्यमंत्री वालों फिलहाल सरकार वालों 1 करोड़ रुपए का चैक दिता गया है। इस विचों शहीद की पत्नी बीबी जगमीत कौर गरेवाल 60 लाख अते माता मनजीत कौर 40 लाख रुपए मिलणगे। तेरह सितंबर को कर्नल मनप्रीत सिंह कश्मीर के अनंतनाग में अतवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए, जिस तो बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान शहीद के पिंड पड़ौजियां विखे पुजे, जिथे उन्होंने परिवार नाल दुख सांझा किया। वह करीब 40 मिनट उत्थे ही रहे ते शहीद की पत्नी ते माता नाल दुख मंडाया। इस दौरान शहीद की माता मनजीत कौर 40 लाख रुपए और पत्नी जगमीत कौर 60 लाख रुपए का चैक दिता। सीएम मान ने कहा कि कर्नल मनप्रीत सिंह देश लिए शहीद होया है ते सूबा सरकार नू माण है कि उसने देश लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सूबा सरकार हर मौके परिवार नाल खड़ी है, परिवार की जो भी लोड़ है सरकार उसनू पूरा करेगी। परिवार नाल दुख का प्रगटावा करदिया मुख्यमंत्री मान ने कहा कि मुल्लापुर रोड का नाँ शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह के नाँ ते रखा जाएगा। इस तो अलावा जल्दी ही इस इलाके विच शहीद के नाँ ते खेड स्टेडियम भी बनाया जाएगा। उन्हें पिंड के स्कूल 10वीं जमात तक अपग्रेड करने का ऐलान किया। सीएम मान ने पिंड पहुंचने की सूचना मिलने तो बाद जिला प्रशासन ने सवेर तो ही तैयारियां शुरू कर दी सन। सुरक्षा कारण करके इतने SP ट्रैफिक HS मान और DSP तरमिंदर सिंह की अगवाई में पुलिस तैनात की गई। सिविल ड्रैस में पुलिस मुलाजम भी पिंड के घूमते रहे। इस दौरान मीडिया वाले नूं बाहर जाण तो रोक दिता गया। दौरे दौरान परिवारक मैंबर ने समाज सेवी अरविंद पुरी और पिंड वासियों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं मांग पत्र सौंपिया। इस विच शहीद के दोवें बच्चों लिए उन्हां दी योग्यता के अनुसार राज सिविल सेवा विच नौकरियां राखवियां करना, शहीद की पत्नी जगमीत कौर नूं सारी उम्र आमदन टैक्स विच छूट देना, परिवार के किसी भी मैंबर नूं नौकरी देना और उसकी माता और पत्नी नूं वक्री रिहायश देना शामिल है। न्यू चंडीगढ़ में एक प्लाट देना, मुल्लापुर रोड का नाँ शहीद के नाँ पर रखना और मुल्लापुर बैरीयर से यादगारी गेट बनाना, पिंड के स्कूल नू हाई स्कूल बनाना और शहीद के नाँ पर लाइब्रेरी बनाने की मांग की गई। पंजाब यूथ कांग्रेस के मीत प्रधान NSUI के सबका प्रधान अक्षय शर्मा ने अपने सारे अहदों और पार्टी की मुढ़ली मैंबरशिप तो अस्तीफा दे दिता है। कांग्रेस तो अस्तीफा देने तो बाद अक्षय शर्मा पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ की मौजूदगी BJP शामिल हो गया। इस तो पहला अक्षय शर्मा ने कांग्रेस प्रधान खड़गे को पत्र लिखा कि पार्टी सिर्फ कांग्रसी लीडर के बच्चों को तवज्जो दी जा रही है, आम घर के बच्चों को पार्टी सम्मान नहीं दिता जा रहा। इस दे नाल ही अक्षय ने पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग से भी कई गंभीर इल्जाम लगाए सन। पंजाब कांग्रेस विच अंदरूनी कलेश दी खबरां सामने आ रही सन, जिसके चलते यूथ कांग्रेस के वाइस प्रधान अक्षय शर्मा ने अपने अहदे तो अस्तीफा दे दिता। इसके थोड़े समय बाद ही अक्षय शर्मा ने BJP का पल्ला फड़ लिया। अक्षय शर्मा की चंडीगढ़ BJP पार्टी दफ्तर विखे पंजाब BJP के प्रधान सुनील जाखड़ की मौजूदगी BJP ज्वाइनिंग हुई। इस दौरान अक्षय शर्मा ने कांग्रेस पार्टी से वड्डे निशाने साधे। अस्तीफे दौरान ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी से वड्डे इल्जाम लगाए सन। तो दस दिए कि मोहित महिंद्रा के यूथ प्रधान बनने तो बाद अक्षय शर्मा पार्टी तो नाराज चल रहे सन। दरअसल पंजाब यूथ कांग्रेस दी चोणां विच सबका कांग्रसी मंत्री ब्रह्म महिंद्रा के पुत्र मोहित महिंद्रा की जित तो बाद शुरू हुए विवाद विच यूथ कांग्रेस के उप प्रधान अक्षय शर्मा ने अस्तीफा दे दिता। अपने अस्तीफे च उन्होंने कांग्रेस पार्टी प्रति अपनी नाराजगी भी जाहिर की सी। ते जिस तरीके नाल साहब ने गल की कि एक अंग्रेजी की कहावत है, पीपल डोंट लीव बैड जॉब्स दे लीव बैड बॉसिस। कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई पार्टी या कोई कुणबा माड़ा नहीं हुंदा, कई बार उत्थे आके ऐसे लोग बैठ जाते हैं जो उन्होंने खराब करना शुरू कर देंगे। जिमें साहब की कई गल की
ਉੱਥੋਂ ਕੁਣਬਾ ਘੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੌਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੂਪਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ ਦਾਮਨ ਬਾਜਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਸ਼ੈ ਸ਼ਰਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਲਕਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਲੜੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਕੇ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਕਪਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸਹਿਜ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਜੋੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸਹਿਜ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫੇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਇਰਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਸੱਚੀ ਝੂਠੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਗ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਚੀਏ ਨਾ ਬਚੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਵਾਇਰਲ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਲੁਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕੁਛ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਧਮਕੀ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੇ ਆਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨ ਦੱਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਨੀਚੇ ਕਰਨ ਦੱਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪੇਜ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਾਰਲਰ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਪੇਜ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ,
इस बंदे ने पहले भी सानू गलत बोलना नहीं छड़िया, मैं इनू फोन कीते क्योंकि जदों सानू धमकी आई मैं इस बंदे नू फोन भी कीते, मेरे कोल ओदी भी इनू कॉल कीते, इन्हें कॉल नहीं चकी बिकॉज इन्हें सब कुछ प्लैन पहले कर लिया होया सीगा। पर अज ओह इंसान कल लाइव आके साडे बारे होर गलत बोल रहा है, कदे वीडियोज पा रहा है, कदे कुछ कर रहा है, साडे बारे होर खिलाफ बोल रहा है, साडी जिंदगी नू इन्ना बुरा हाल, साडी जिंदगी दा इन्ना बुरा हाल कीता पै कि असीं ना ते इधर चुके हैं ना असीं उधर चुके हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਲਿਆ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਇਰਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੋਸਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੋੜਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੁੱਕੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਉਂਗਲ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼। ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਬੋਲੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ। ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਣੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦੀ ਫੋਰਸ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਿਰੀਖਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।